हेलो व्यूवर्स, सफर चाय के काम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि और ये है घर का बना चाय का मसाला। यह मसाला चाय का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही सर्दी जुखाम जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चाय का मसाला बनाना। लेकिन उससे पहले सफर जायके का को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चाय का मसाला बनाने के लिए हमें जो मसालों की ज़रूरत होगी वो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ चीज़ें स्पेशली लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप चाय का मसाला बस उतनी ही क्वांटिटी में बनाकर रखिए जितना आपको 20 से एक महीने के लिए चल जाए। बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए आप इसे ताज़ा ताज़ा ही यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैंने 20 इलायची ली है। स्पून में देखें तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची ली है। इसके साथ ही लिए हैं मैंने 10 से 12 मैंने यहाँ पर लौंग ली है। स्पून में देखें तो ये आधा स्पून लौंग है और 10 से 12 ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, ये भी आधा स्पून है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक जायफल और इसके साथ ही लिया है एक टुकड़ा दालचीनी का। अगर आप दालचीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा दालचीनी ले सकते हैं। इसके साथ में ही ली है एक बड़ी इलायची और कुछ मैंने लिए हैं सूखे पत्ते जो है तुलसी के हैं, इन्हें मैंने सुखा लिया था। तुलसी सभी घरों में होती है, इन्हें तोड़ लीजिए और सुखा लीजिए। तो यहाँ पर लगभग 20 तुलसी के मैंने पत्ते लिए हैं। 2 चम्मच लिया है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और सूखा भी मिल जाता है। यानी कि जो जिंजर होता है, अदरक होता है, वही सूखा जो है सौंठ बन जाता है। ये मैंने घर पर ही बनाया है सौंठ पाउडर, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अदरक के टुकड़े काट कर सुखा लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच सौंफ। अब हमें करना क्या है कि जितने भी साबुत मसाले हैं उन्हें एक पैन में डालकर हल्का सा गर्म करना है। यहाँ पर हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा हमें गर्म करना है ताकि इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत नमी रह गई हो तो वो निकल जाए। तो सबसे पहले हम ये जो जायफल है और दालचीनी है इनको तोड़ लेंगे रोस्ट करने से पहले। तो चलिए इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब हम एक एक करके सारे मसाले हम इसमें डालते जाएंगे। तो ये मैंने सबसे पहले जायफल डाल दिया, इसे मैंने तोड़ लिया था। इसके साथ ही डाल रही हूँ दालचीनी, टुकड़ों में कर ली है इसे, और एक इलायची जो हमने ली थी वो डाल देंगे हम। यहाँ पर जितने भी हमने साबुत मसाले लिए हैं ना, वो सब हमें सर्दी जुकाम से बचाते हैं। तो जो भी हमारा चाय का मसाला बनकर तैयार होगा वो हमें इन सारी बीमारियों से बचाएगा। अब इसमें भी हम काली मिर्च डाल देंगे, ये भी हमें बहुत अच्छी गर्मी प्रदान करती है। लौंग भी डाल देंगे और सारे जो मसाले हैं इन्हें अब हम भुनेंगे। और इलायची डाल दीजिए आप। इलायची को हमें छीलना नहीं है, ऐसे ही डालना है क्योंकि इसके छिलके भी काफ़ी गुणकारी होते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अब सौंफ। तुलसी और सौंठ पाउडर को छोड़कर हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि अगर इसमें कोई नमी रह गई हो तो वो निकल जाए। तो बस बिल्कुल हल्का सा हम इसे भूनेंगे। तो चलाते हुए आप अच्छे से इसे भून लीजिए। जायफल, दालचीनी, इलायची, लौंग, इन सब का टेस्ट इतना बढ़िया आता है और साथ ही हमारी बॉडी को गर्मी प्रदान करती है। इससे हमें सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारियाँ नहीं होती हैं। चाय का मसाला हमारी चाय को स्वादिष्ट तो बनाता ही है, साथ ही इन सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो ये मसाला आप बनाकर जरूर रखिए और रोज़ सुबह शाम की जो चाय आप पीते हैं उसमें ज़रूर डालिए, तो आप इन सारी बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। बस हमें मसाले को इतना ही भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अभी हमारा पैन गरम है तो बस इसी पैन में जो है हम तुलसी के पत्ते भी डालकर इसे भी हल्का सा भून लेंगे। गैस ऑन नहीं है,
बस इसे ऐसे ही हम भून लेंगे ताकि जो भी नमी इसकी भी है, वैसे तो हमने इसे सुखा लिया था, लेकिन जो भी नमी है वो निकल जाएगी। इसका कारण ये है कि अगर थोड़ी भी नमी हमारे मसाले में रह गई तो मसाला खराब होने का डर रहता है। इसे भी हमने हल्का भून लिया है। सारे मसालों को हमने ग्राइंड करने के लिए इसमें डाल लिया है और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये सोंठ पाउडर जो हमने लिया था। तो 2 चम्मच जो सोंठ पाउडर लिया था वो भी हम डाल देंगे और इन सारे मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने इसमें तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं, तो बस इन्हें ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए हमने मसाला ग्राइंड कर लिया है और कितना बढ़िया मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, हम जो तुलसी के पत्ते हमने रखे थे हल्के भूनकर, उन्हें भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तुलसी के पत्ते हमारे काफ़ी सूखे हुए हैं तो इसे हाथ से ही ऐसे ही मैश कर लेंगे, हम क्रश कर लेंगे ये देखिए, और बहुत ही अच्छा हमारा जो है पाउडर बन जाएगा। तो इसे आपको मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत भी मोटा रह जाता है ना, वो चाय में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसे ऐसे हाथ से ही क्रश करके आप तुलसी को और इसमें डाल दीजिए, मसाले में जो हमने अभी ग्राइंड करके रखा है उसमें हम मिक्स कर देंगे। एकदम बारीक मैंने इसे कर लिया है और इसे भी हमें इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लगता है और तुलसी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब होती है। अदरक, इलायची, तुलसी, इनकी खुशबू तो ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है चाय में। तो ये आप ज़रूर डालिए तुलसी। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो तुलसी एक दिन में ही सूख जाती है, बड़ी जल्दी सूख जाती है। अगर आप धूप नहीं में नहीं सुखाना चाहते आप, तो छाए में भी ये 2-4 दिन में सूख जाएगी, और आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव ओवन में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस आप इसे किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। हो सके तो आपका जो जार या बॉटल है वो ग्लास का हो तो और भी बढ़िया है। बस आपका जो भी जार आप ले रहे हैं, जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं, वो आपका साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए ताकि कोई भी नमी उसमें ना हो, वरना आपका जो ये चाय का मसाला है वो ख़राब हो सकता है। एयर टाइट जार में रखने से इसकी खुशबू काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहती है। ये देखिए इस प्रकार के आप ग्लास के बॉटल में इसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि इसकी खुशबू बनी रहे और इसमें नमी बिल्कुल भी ना जाए। बस आपको जब भी चाय बनाना हो तो 2 कप चाय में आप इसका 1/4 चम्मच चाय का मसाला डाल सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए। आपको ये चाय मसाले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।